प्रैक्टिस सेट 1.5 का थर्ड सम, ठीक है, द सम ऑफ द एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज, सॉरी द सम ऑफ द फादर एज, द सम ऑफ द फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95, फाइंड देयर प्रेजेंट एज. हमें फादर और सन की प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है. जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसे हम क्या लेंगे, एक्स और वाई, ठीक है. तो लेट स्टार्ट. सबसे पहले हम लिखेंगे एज फाइंड करना, प्रेजेंट एज किसकी, फादर की और उसके सन की. लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर एंड द एज ऑफ सन बी वाई ईयर, ठीक है. जो फाइंड करना था उसको हमने एक्स और वाई ले लिया. अब पहली कंडीशन को हम एज इट इज नोट कर देते हैं, बरोबर. इस स्टेटमेंट से आपको कंडीशन प्रूव करनी है. तो सबसे पहला वर्ड लिखा है सम. सम का मतलब क्या होता है, प्लस. किसका प्लस, फादर का एज. फादर का एज क्या कंसीडर किया हमने, एक्स, बरोबर. एंड ट्वाइस एज ऑफ हिज सन, सन का ट्वाइस एज यानी कि टू वाई. ट्वाइस मतलब टू टाइम्स क्या, एज ऑफ हिज सन. तो टू वाई इज मतलब इक्वल टू 70, बरोबर. तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन, समझा. कैसे हमने पहले स्टेटमेंट से पहला कंडीशन फ्रेम किया. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन की तरफ. ये पूरा स्टेटमेंट को हम नोट डाउन करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके इक्वेशन फ्रेम करने की कोशिश करते हैं. इफ वी डबल, डबल मतलब क्या, टू टाइम्स. डबल करना मतलब मल्टीप्लाई बाय टू करना ना, टू टाइम. ट्वाइस बोलो या डबल बोलो, वन एंड द सेम. डबल मतलब टू टाइम्स क्या, द एज ऑफ फादर, क्या द एज ऑफ फादर. एज ऑफ फादर क्या आपका एक्स, तो ये हो गया एज ऑफ फादर आपका एक्स, तो ये हो गया आपका टू एक्स. एंड एड इट टू द एज ऑफ सन, सन की एज में एड करना. सन का एज कितना है, एड करना मतलब प्लस. क्या करना है, एड इट टू द एज ऑफ सन, सन का एज कितना आपका वाई. सन की एज में फादर की एज को हमने डबल करके एड कर दिया. तो सम यानी कि टोटल इक्वल टू 95, समझा. सम यानी कि टोटल कितना हुआ 95. ये आपका सेकंड इक्वेशन, बरोबर. अब अगर यहाँ पे देखोगे तो ये ए एस एस ए भी कर सकते हैं, बट क्योंकि वेरिएबल्स छोटे, हमारे नंबर्स छोटे हैं, हम इसको ए एस एस ए फॉलो नहीं करेंगे. हम सिंपली डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके काम कर लेंगे. इसलिए हम इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, वाई का भी सेम नहीं है, तो हम इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे. किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू. ऐसा करने पर क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम. देयरफॉर 2x प्लस 4y इक्वल टू 140. बहुत से बच्चे लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना भूल ही जाते हैं. एक्स वाई को कर दे, नंबर को करते नहीं हो, आंसर रॉन्ग आता है. थोड़ा ध्यान देना आपको, ठीक है. जब आप मल्टीप्लाई करो ईच एंड एवरी टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. ये आपका थर्ड इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो एक्स का कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है. सेम साइन होगा तो कैंसिल होगा क्या, नहीं. क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, तो पहले हम 2 लिख देंगे, उसमें से 3 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन क्या होगी, चेंज. प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस. 2x कैंसल, प्लस माइनस 3y साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 3y इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 45, बराबर माइनस 45. अभी माइनस माइनस कट हो जाएगा, वाई इक्वल टू, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कट नहीं किया, पहले हमने माइनस 3 को शिफ्ट कर दिया. आप डायरेक्टली माइनस माइनस को कट कर सकते हो, माइनस माइनस कट हो जाएगा और हो जाएगा 3 1 3 15 जा, तो वाई इक्वल टू 15. आपको सन की एज मिल गई. अब सन की एज को आप इक्वेशन 1 में, 2 में या 3 में किसी में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 नोट करेंगे और y की जगह पे क्या लिखेंगे, 15. तो x प्लस 2 इंटू 15 इक्वल टू 70. तो x प्लस 30 इक्वल टू 70. देखो x इक्वल टू 70 माइनस 30. देखो सॉरी x आना चाहिए, x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, 40. कितना आएगा, 40, वो x होना चाहिए, ठीक है. तो x इक्वल टू कितना मिला आपको स्टूडेंट, 40, बराबर. दोनों का एज मिल गया, फादर का एज 40 और सन का एज कितना, 15, बराबर. लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे स्टेटमेंट, द एज ऑफ द सन इज 15 ईयर्स एंड द एज ऑफ फादर इज 40 ईयर्स. समझा आपको ये, ओके. नेक्स्ट हम पे मूव करते हैं अभी.
प्रॉब्लम सेट वन का 7 मेन क्वेश्चन है, उसका 4th सब क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा एंड सविता इज 31 है ना। क्या करना है आपको यहाँ पे, प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, उनकी एज को, मनीष की एज को एक्स ले लेंगे और सविता की एज को वाई, ठीक है। लेट स्टार्ट, लेट द एज ऑफ प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज फाइंड करने बोला ना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष बी एक्स ईयर एंड द एज ऑफ सविता बी वाई ईयर। आपको जो प्रेजेंट एज भी सीखना है, प्रेजेंट एज ऑफ सविता बी वाई ईयर, ठीक है। एक्स और वाई ले लिया। अब पहला कंडीशन, पहले कंडीशन के लिए पहला स्टेटमेंट को हमने नोट कर लिया। अब इसको ब्रेक करते इक्वेशन बनाने की कोशिश करते। सम मतलब क्या, प्लस, प्लस लिख दिया। प्रेजेंट एज ऑफ मनीष कितना है, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एक्स बराबर, एंड सविता, सविता का प्रेजेंट एज कितना है वाई बराबर, एज मतलब इक्वल टू 31, डन। ये आपका पहला इक्वेशन बराबर, पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन आपको मिल गया। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, मनीष एज 3 years ago was 4 times the age of सविता बरोबर। यहाँ पे जो एज है कौन सी एज दी हुई है यहाँ पे, 3 years ago, ठीक है। 3 years ago मतलब 3 साल पहले, ठीक है। जब भी अगो हैंस ऐसे वर्ड आएंगे तो आपको दोनों भी एज को अप्लाई करना है बरोबर ना। यहाँ पे 3 years ago बोला हुआ, तो 3 years ago मतलब पहले, तो हम मनीष की एज 3 साल पहले कितनी होगी, एक्स माइनस 3 years बरोबर। तो 3 years ago मनीष की एज हो जाएगी एक्स माइनस 3 बरोबर, पहले अगो मतलब पहले बरोबर ना। और सविता की एज कितनी हो जाएगी, वाई माइनस 3 बरोबर। तो ये जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो 3 साल पहले का कंडीशन है बरोबर ना। तो मनीष एज 3 years ago कितना आपका, x माइनस 3 वॉज 4 times द एज ऑफ सविता, ठीक है। वॉज मतलब इक्वल टू, वॉज मतलब इक्वल टू, ठीक है। 4 times, 4 times मतलब 4 multiply by क्या, एज ऑफ सविता, सविता का एज कितना है, y माइनस 3 क्या, y माइनस 3, ठीक है। तो ये y माइनस 3, तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके सेकेंड कंडीशन के हिसाब से मिला, समझा आपको ये। तो एज ऑफ मनीष वॉज मतलब इक्वल टू 4 times द एज ऑफ सविता, और ये कंडीशन कब, 3 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। तो चलिए दोनों की एज को क्या किया हमने, माइनस 3 कर दिया बरोबर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स माइनस 3 एज इट इज, 4y से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 12 करेक्ट। अब वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ, देयरफॉर x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12 प्लस 3 बरोबर। तो x माइनस 4y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस करेगा तो कितना आएगा आपका ये 9, और साइन ग्रेटर नंबर 12 नंबर ग्रेटर है, साइन नेगेटिव है तो माइनस 9। ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देख के आप सिंपली देखो, एक्स का कोएफिशिएंट सेम है, वाई का अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सेम चाहिए आपको, एक का कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी क्या उनका सेम है, तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो पहले 1 लिख देंगे, उसमें से 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे साइन क्या होगी, चेंज, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। एक्स कैंसिल हो गया, वाई प्लस 4y 5y, ठीक है। 31 प्लस 9 40, तो y इक्वल टू 40 अपॉन 5 विच कम्स टू 8। तो y मिल गया आपको, तो सविता का प्रेजेंट एज कितना हुआ, 8 ईयर्स बराबर ना। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1 में पुट करना ज़्यादा इजी रहेगा ना, तो आपको मिलेगा x प्लस 8 इक्वल टू 31, देयरफॉर x इक्वल टू 31 माइनस 8, देयरफॉर x इक्वल टू 23। तो दोनों की आपको प्रेजेंट एज मिल गई करेक्ट। द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज 23 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सविता इज 8 ईयर्स। आपको कंफर्म करना है आपका आंसर राइट है कि नहीं है, तो ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके देखो, अगर आपको 31 मिल रहा है तो आपका आंसर राइट है, इसमें भी पुट करके देखो x और y की वैल्यू, माइनस 9 मिल रहा है तो आपका आंसर राइट है, आप वेरीफाई कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो यहाँ पे, समझे आपको ये। ओके, नेक्स्ट सम,
Practice set 1.5 का fifth sum. Two type of box A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. Truck का capacity कितना दिया है? 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in a truck, its weight 10 tons. तो दोनों type के boxes रखे हमने. 150 box A रखे और 100 box B रखे. तो जो weight हुआ total, ठीक है? वो कितना हुआ? Boxes का 10 tons. कैपेसिटी भी 10 टन की थी तो 10 टन की कैपेसिटी पूरी हो गई ट्रक की. बट व्हेन 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी. इट कैन स्टिल अकोमोडेट मतलब क्या? इट कैन स्टिल अकोमोडेट मतलब उसमें 10 टन की कैपेसिटी तक, कितना 10 टन की कैपेसिटी तक अगर फुल भरना है ट्रक को तो उसमें अभी भी 40 बॉक्स आ सकते हैं. ठीक है, तो आपका 10 टन सेम ही है दोनों कंडीशन में. 10 टन की आपका सेम ही है. So that it can be fully loaded, आप है ना? 40 बॉक्स आप टाइप बी के डाल सकते हो ताकि वो फुल्ली लोडेड हो जाए, यानी कि 10 टन कैपेसिटी पूरी यूज हो जाए ट्रक की. फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, आपको वेट फाइंड करना है दोनों टाइप के बॉक्सेस का. ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. तो ये दो बॉक्स आपके बराबर, आपको दोनों का क्या फाइंड करना है? वेट. तो लेट द वेट ऑफ बॉक्स ए बी एक्स के जी, हमने क्या लिया? और यहाँ पे यूनिट क्या दिया हुआ है? टन्स. ठीक है, हम लोग अगर वेट x kg की टर्म में ले रहे तो मुझे टन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? kg में. ठीक है, यहाँ पे मैंने x kg लिया है, यहाँ पे टन दिया हुआ है, तो हम टन को kg में कन्वर्ट करने वाले हैं. ठीक है, एंड वेट ऑफ बॉक्स b भी y kg. ठीक है, ओके. तो ट्रक है आपका, ट्रक का कैपेसिटी कितना है? 10 टन. 10 टन यानी कि इक्वल टू 10 × 1000. ठीक है, 1000 इक्वल टू 10,000 kg. ठीक है, 10,000 kg. 1 टन इक्वल टू 1000 kg. 1 टन इक्वल टू 1000. 10 टन कितना हुआ? 10 × 1000. तो कितना कैपेसिटी ट्रक का? 10,000 kg ऑफ गुड्स लोड होने का कैपेसिटी है. हर गाड़ी का अपना एक कैपेसिटी होता है, उससे ज्यादा नहीं. ठीक है, जो भी है वो है, गाड़ी बड़ी होगी. ठीक है ना, हर ट्रक की क्या होती है? कैपेसिटी होती है, जिसका कितना कैपेसिटी है? 10,000 kg. ओके, तो ये 100 kg और ये 100 kg. एग्जांपल देख रहे हैं, अगर दो बॉक्स इसका होगा ए का, ठीक है, दो बॉक्स होगा, पेट्रोल कितना होगा? 200 किलो. मल्टीप्लाई अगर तीन बॉक्स होगा तो 300. अगर एक्स बॉक्स होगा तो एक्स इंटू 100. ये आपके 2-3 नंबर ऑफ बॉक्सेस थे, ये आपका वेट था फर्स्ट बॉक्स का, ये टोटल वेट हो गया बराबर. तो आपको बॉक्सेस कितने लिए यहाँ पे? नंबर ऑफ बॉक्सेस इनटू वेट ऑफ, नहीं, नंबर ऑफ बॉक्सेस दिया हुआ है यहाँ पे, वेट ऑफ वन बॉक्स एक्स लिया हमने बराबर ना. वेट ऑफ बॉक्स क्या लिया हमने? एक्स लिया है. नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने दिए पहली कंडीशन में? पहले देखो, टाइप ऑफ बॉक्स ए और बी. वेट ऑफ वन बॉक्स एक का कितना है? ए का एक्स के जी. और नंबर ऑफ बॉक्स कितना है? नहीं नहीं, अभी 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए बराबर, ए का एक्स और बी का वाई. नंबर ऑफ बॉक्सेस ए के कितने बॉक्सेस है? 150 और बी के कितने? 100. ठीक है, टोटल वेट फाइंड करने, जैसे हमने यहाँ पे टोटल वेट फाइंड किया है, यहाँ पे भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. तो ये कितना हो जाएगा? 150 एक्स, ये कितना होगा? 100 वाई इक्वल टू कितना होगा? 10,000, है ना. कितना वेट हो रहा है? 10 टन. 10 टन यानी कि 10,000. ये आपका पहला कंडीशन, समझे आपको ये पहला कंडीशन? ठीक है, अभी सब नंबर किससे डिविजिबल है? 50 से डिविजिबल है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 50 बराबर. देयरफॉर 3x प्लस 2y इक्वल टू 200. ये आपका पहला कंडीशन पूरा हुआ, समझे आपको ये. आगे नेक्स्ट कंडीशन, बट व्हेन 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए, अभी नंबर ऑफ देखो, वेट तो सेम ही रहेगा. टाइप ए के बॉक्स कितने हुए अभी? 260. किधर आप लिख देना ना, भले मल्टीप्लाई किया कि आपने मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 50. और इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, तो यहाँ पे कितना आएगा? 40. नहीं, टेबल नहीं बनाए तो भी चलेगा, समझने के लिए आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. तो 260x प्लस 40y, तो कितना पूरा लोड हो जाएगा? पूरा लोड होगा यानी कि 10 टन पूरा हो जाएगा.
इक्वल टू 10,000, ये आपका सेकंड कंडीशन, बराबर डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 20, सब 20 की टेबल में आ रहे हैं, 20 की टेबल में आएगा, 40 की टेबल में नहीं आएगा, ठीक है ना। सो 20 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 13x प्लस 2y इक्वल टू 500, ये आपका सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन पूरा हो गया आपका, ठीक है। y का कोएफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबट्रैक्ट, ये आपका दो कंडीशन। x का तो अलग अलग है, y का कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो 1 लिख दिया हमने, फिर 2 लिख दिया हमने, सबट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होगी, प्लस है दो माइनस, प्लस है दो माइनस, प्लस है दो माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2y कैंसल, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 300, बराबर। तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 300 अपॉन माइनस 10, माइनस माइनस कट, 0 0 कट, x इक्वल टू 30। तो एक बॉक्स का वेट कितना था, बॉक्स टाइप बॉक्स ए का एक बॉक्स का वेट था 30 kg, कितना था 30 kg, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, 3 इंटू 30 प्लस 2y इक्वल टू 200, कितना होगा ये 90x प्लस 2y, 90x नहीं आएगा, ये 90 आएगा खाली, कितना आएगा, x का वैल्यू पुट कर देना आपने, 90 प्लस 2y इक्वल टू 200, देयरफॉर 2y इक्वल टू 200 माइनस 90, देयरफॉर 2y इक्वल टू 110, देयरफॉर y इक्वल टू 55, बराबर 2 1 2 55 जा। तो बॉक्स बी का एक बॉक्स बी का वेट कितना था 55 kg, देयरफॉर weight of type A box is 30 kg and weight of type B box is 55 kg, समझा आपको ये, हाँ इतना ही था, समझा आपको ये। नेक्स्ट सम, ये है आपका सॉल्व एग्जांपल, एक्सरसाइज 4 का सॉल्व एग्जांपल, बरोबर ना, ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी सॉल्व एग्जांपल है वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में वो भी आ सकते हैं, ठीक है। अ सर्टेन अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुछ बच्चे, ठीक है, उन कुछ बच्चों में कुछ अमाउंट हमने बांट दिया, ठीक है। ईच वुड गेट 2 लेस, हर बच्चे को 2 कप मिलेगा इफ 10 स्टूडेंट्स वेयर मोर, अगर जितने भी बच्चे उसमें 10 बच्चे अगर और आ गए तो हर बच्चे को 2 रुपए क्या मिलेगा, कम मिलेगा। एंड ईच वुड गेट 6 मोर, हर बच्चे को 6 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा अगर 15 बच्चे को निकाल देंगे तो, 15 बच्चे को निकाल देंगे तो 6 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने बच्चे हैं अभी क्लास में और कितना पैसा हमने बांटा हुआ आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो जो भी है, जो भी अभी आपका है यहाँ पे, इसको एक्स्ट्रा क्या लेना पड़ेगा, वाई, ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा, ओके। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो लेट पहले ये देख लेते हैं, ये 40 रुपीज है, कितना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, 40 रुपीज है, बच्चे कितने हैं 2, क्वेश्चन में ना तो आपको अमाउंट पता है ना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है, बट हम लोग एक बार अज्यूम करते हैं कि अमाउंट 40 है और बच्चे कितने हैं 2, अगर ये 40 रुपीज दोनों में इक्वली बांटना है तो कितना बटेगा, 20 इसका 20 इसका, बराबर, ओके। 2 इंटू 20 कितना हुआ 40, 2 इंटू 20 कितना हुआ 40, बराबर। अगर बच्चे 4 हो गए तो क्या होगा, ये 40 रुपीज इक्वली बांटना है तो 10 10 होगा, करेक्ट, 4 इंटू 10 इक्वल टू 40, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्या आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्या आपका अमाउंट गिवन टू ईच स्टूडेंट, ये क्या हो गया आपका टोटल अमाउंट, क्या हो गया आपका टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, समझे आपको ये। इसी तरीके से आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, तो दो चीज जो फाइंड करनी है उसको हम क्या लेंगे, पहला एक्स और वाई, ना तो आपको नंबर ऑफ रुपीज पता है अमाउंट ऑफ रुपीज और ना तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है, तो दोनों को हम लोग एक्स और वाई ले लेंगे पहले, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स, ठीक है, एंड अमाउंट गिवन टू ईच स्टूडेंट बी वाई, हर बच्चे को हमने वाई अमाउंट दिया, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल टू कितना होगा, एक्स इंटू वाई, कितना अमाउंट हमने बांटा, कैसे फाइंड करेंगे, एक्स इंटू वाई, दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट
और हर बच्चे को हमने कितना दिया, मल्टीप्लाई करने पे आपको टोटल अमाउंट मिल रहा है। ठीक उसी तरीके से हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू एज स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने पे आपको टोटल अमाउंट मिल गया। टोटल अमाउंट मिल गया आपको इतना एक्स वाई हमारे पास में अमाउंट है, कितना अमाउंट है एक्स वाई। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पे के लिए क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने बच्चे इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में एच वुड गेट टू लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वे मोर, 10 बच्चे अगर ज्यादा होते तो हर बच्चे को कितना मिलता, 2 रुपया कम मिलता। तो कितने बच्चे हुए, 10 बच्चे बढ़ गए ना, तो x प्लस 10। ठीक है, इन टू अमाउंट गिवन टू ईच स्टूडेंट, हर बच्चे को कितना दिया y, बरोबर हर बच्चे को कितना मिलेगा y मिलेगा क्या, नहीं, 10 बच्चे बढ़ गए तो हर बच्चे को 2 रुपया कम मिलेगा, तो y माइनस 2। तो x प्लस 10 आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट गिवन टू ईच स्टूडेंट y माइनस 2 इक्वल टू टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट आपका x y है, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहला x y माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10 वाई माइनस 20 बरोबर इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसल, बरोबर है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा माइनस, एक प्लस एक माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस टू एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 20 डिवाइडिंग टू रोड बाय 2, 2 से डिविजिबल है, या माइनस एक्स प्लस 5 वाई इक्वल टू 10, समझा आपको ये, ये आपका पहला कंडीशन पूरा हो गया। ठीक इसी तरीके से आपको दूसरा भी करना है। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट कंडीशन आपका एंड ईच वुड गेट 6 मोर, 6 ज्यादा मिलेगा, पहले कितना मिला था वाई, और 6 ज्यादा मिलेगा तो कितना हो जाएगा ये वाई प्लस 6 बरोबर, कब, इफ 15 स्टूडेंट वेयर लेस, पहले कितने थे एक्स थे, एक्स में से 15 को माइनस कर देंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन एक्स माइनस 15, 15 बच्चे कम है, अभी एक्स है 15 कम हो गए मतलब एक्स माइनस 15, और एक को कितना मिलेगा 15 ज्यादा मिलेगा, पहले कितना मिला था y, और 15 ज्यादा मिला तो y प्लस 15, y प्लस 6 सॉरी 6, हाँ 6 ज्यादा मिलेगा बरोबर ना, हाँ तो 6 ज्यादा मिलेगा तो y प्लस 6, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको एक्स वाई, टोटल अमाउंट, अमाउंट तो सेम है, अमाउंट में कोई चेंज हो रहा था क्या, नहीं, जितना अमाउंट उतना अमाउंट आप सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बच्चे बढ़ रहे और घट रहे, बट टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों में वो हमारा सेम है, तो वो एक्स वाई आपका। ठीक है, वैसे हम x को y प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस 6x माइनस 15y माइनस 90 इक्वल टू एक्स वाई, एक्स वाई एक्स वाई कट, तो 6x माइनस 15y इक्वल टू 90, किससे डिविजिबल है सब, डिवाइडिंग टू रोड बाय 3, 3 से डिविजिबल है, 2 से 15 का आधा 2 के टेबल में नहीं आता ना, 3 से डिविजिबल है, देयरफॉर 2x माइनस 5y इक्वल टू 30, ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं, 1 और माइनस 1 और 2 है, और यहाँ पे 5 और 5 है, सेम है, y का कोएफिशिएंट सेम है, साइन अलग अलग है, एड एडिंग 1 एंड 3 वी गेट 1 एंड 2 आना चाहिए, 1 एंड 2, ठीक है एक मिनट, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, 1 एंड 2 ये हट जाएगा अपना, हाँ हाँ ठीक है देखते वो सॉल्व करते पहला। ठीक है, ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होगी, 5 बाय 5 बाय क्या हो जाएगा कट, माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर एक्स, एक्स इक्वल टू 40 बराबर मिल गया एक्स का वैल्यू, तो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल गए, आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे टोटल 40, सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1 तो क्या मिलेगा हमें, माइनस 40 प्लस 5 बाय इक्वल टू 10, तो 5 बाय इक्वल टू 10 प्लस 40, देयरफॉर 5 बाय इक्वल टू 50, therefore y equal to 50 upon 5, कितना आया 10, ठीक है y equal to 10, तो हर बच्चे को कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हम लोग 10 रुपीज, समझा आपको, तो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड क्या करना पड़ेगा, ये पूछा था ना, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल टू x into y, 40 into 10 कितना हुआ आपका 400, आपको जो पूछा था वो आपको वापस लिखना पड़ेगा, 400 डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमाउंट 40 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने लिख दिया, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट 40, कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया 400, आप एक्स और वाई फाइंड करके खत्म मत करना, आपको टोटल अमाउंट फाइंड करना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स वाई,
बहुत से बच्चे एक्स वाई लिखते हो और एक्स वाई लिख के छोड़ देते हैं, आपको यहाँ पे 400 भी लिखना है यहाँ पे, ठीक है? ओके डन।